वाट इज़ फायर यानी फायर क्या है आग क्या है इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है फायर इज ए केमिकल चेन रिएक्शन ऑफ फ्यूल ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेज हीट एंड लाइट यानी फायर क्या है फायर एक केमिकल चेन रिएक्शन है किसके बीच फ्यूल ऑक्सीजन और टेम्परेचर के बीच यानी फ्यूल ऑक्सीजन और टेम्परेचर जब रिएक्शन करते हैं उसे हम फायर बोलते हैं और इस रिएक्शन से क्या होता है हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है यानी जब भी फ्यूल यानी कोई भी जलने वाली वस्तु जैसे कि वूड पेपर पेट्रोल डीजल और ऑक्सीजन और हीट के बीच जब भी रिएक्शन होता है केमिकल चेन रिएक्शन इसे हम फायर बोलते हैं और इस रिएक्शन से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है तो इसे आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं नेक्स्ट वाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर यानी फायर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं फायर जब भी कहीं लगता है कहीं भी ऑकर होता है तो कौन कौन से एलिमेंट्स वहाँ पे होने चाहिए तो फायर के टोटल फोर एलिमेंट्स हैं जो कि ऐसे हैं सबसे पहला है फ्यूल यानी कोई भी जलने वाली वस्तु जैसे कि वूड पेपर पेट्रोल डीजल मीथेन सेकेंड है ऑक्सीजन जो कि हमें एयर से मिलेगा थर्ड है हीट यानी टेम्परेचर किसी भी सोर्स से मिल सकता है और लास्ट है केमिकल चेन रिएक्शन ये जब चारों आपस में मिलते हैं तो फायर क्रिएट होता है जब इन तीनों के बीच केमिकल चेन रिएक्शन होता है तो फायर क्रिएट होता है और इन्हीं चारों को हम बोलते हैं फायर एलिमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फायर ट्रेंगल यानी फायर ट्रेंगल क्या है तो फायर ट्रेंगल एक सिंपल है जिससे कि हम फायर के जो तीन एलिमेंट्स हैं थ्री एलिमेंट्स हैं उसको दर्शाते हैं डिनोट करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फायर ट्रेंगल है इसमें तीन एलिमेंट मेंशन किए गए हैं सबसे पहला है फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन तो ये ओल्ड थ्योरी है ओल्ड थ्योरी में फायर के थ्री एलिमेंट्स थे जो कि एक ट्रेंगुलर फॉर्म में दिखाया जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फायर टेट्राइडन यानी फायर टेट्राइड क्या है इसके बारे में जानेंगे तो हमने पहले देखा फायर ट्रेंगल क्या है जिसमें कि तीन एलिमेंट्स थे फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन एक फोर एलिमेंट बाद में डिस्कवर हो इसका नाम है चेन रिएक्शन। तो इन जब चारों को हम जो दर्शाते हैं जिस फॉर्म में उसे हम बोलते हैं फायर टेट्राहाइड्रॉन जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं इसमें फोर ट्रेंगुलर हैं तो इन्हें हम बोलते हैं फायर टेट्राहाइड्रॉन इसमें चार एलिमेंट्स हैं सबसे पहला है फ्यूल सेकेंड हीट थर्ड है ऑक्सीजन और फोर्थ है चेन रिएक्शन तो ये अभी इसे हम फॉलो करते हैं ये रिसेंट में अभी यही चल रहा है फायर टेट्राहाइड्रोन क्योंकि फायर को क्रिएट होने के लिए ऑकर होने के लिए चेन रिएक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है अगर चेन रिएक्शन नहीं होगा तो फायर क्रिएट नहीं होगा जैसे सपोज करो एक रूम है जिसके कॉर्नर में एक कॉर्नर में फ्यूल है एक कॉर्नर में हीट है और एक कॉर्नर में ऑक्सीजन है तो क्या इसमें रिएक्शन होगा फायर क्रिएट होगा नहीं होगा क्योंकि इसके बीच रिएक्शन नहीं हो रहा है जब इन तीनों को आपस में मिलाएंगे रिएक्शन करेंगे तब जाकर ये फायर क्रिएट होगा तीसरी के भी जो रिएक्शन होता है इसे हम बोलते हैं चेन रिएक्शन तभी जा हमारा चेन रिएक्शन डिस्कवर हुआ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ़ फायर निबोस और ए डी एस रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के लिए या सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए या अदर कोई भी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं गूगल पे www. डब्लू डब्लू डॉट सेफ्टी एम जी एम टी स्टडी डॉट कॉम इस वेबसाइट पे जाइए आपको काफ़ी सारे सेफ्टी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेंगे यानी फायर कितने क्लास के हैं कितने टाइप्स के हैं तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो फायर के टाइप्स हैं सिक्स जो कि है क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास सी एंड क्लास एफ अगर वहीं बात करें इंडियन स्टैंडर्ड की तो इसमें फाइव टाइप्स क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी और क्लास एफ़ इंडियन में क्लास ई e नहीं आता है ई e को मेंशन नहीं किया गया है अभी हम जानेंगे क्लास ए फायर क्या होता है तो क्लास ए फायर को हम सॉलिड फायर भी बोलते हैं इसमें जो फ्यूल होता है जो जलने वाला वस्तु होता है वो जनरल कम्बस्टेबल मेटेरियल होता है यानी ऑर्गेनिक मेटेरियल होता है जैसे कि पेपर वुड रबर प्लास्टिक अगर पेपर में आग लगता है तो क्लास ए फायर होगा यानी सॉलिड फायर होगा या फिर वुड में लगे रबर में लगे प्लास्टिक में लगे कोई भी अगर ऑर्गेनिक मेटेरियल है तो वो सॉलिड फायर होगा क्लास ए फायर हो नेक्स्ट क्लास बी क्लास बी फायर क्या है क्लास बी फायर है फ्लेम लिक्विड फायर जिसे हम लिक्विड फायर भी बोलते हैं तो इसमें जो फ्यूल होता है जलने वाला वस्तु होता है वो फ्लेम लिक्विड होता है जैसे कि पेट्रोल डीजल पेंट या अदर कोई भी केमिकल जो कि ज्वलनशील है तो ऐसे फायर को हम बोलते हैं क्लास बी फायर लिक्विड फायर नेक्स्ट क्लास सी फायर क्लास सी फायर क्या होता है फ्लेमेबल गैस फायर यानी गैसियस फायर इसमें जो फ्यूल होता है जलने वाला जो वस्तु होता है वो फ्लेबल गैस होता है जैसे कि प्रोपेन एक फ्लेमेबल गैस है ब्यूटेन है मीथेन है अगर इनमें आग लगता है वो क्लास सी होगा यानी गैसियस फायर कहलाएगा नेक्स्ट है क्लास डी फायर क्लास डी फायर क्या है फ्लेमेबल मेटल फायर यानी मेटल फायर क्लास डी को हम मेटल फायर भी बोलते हैं इसमें जो फ्यूल होता है जो जलने वाला वस्तु होता है फ्लेमल मेटल्स होता है जैसे कि सोडियम यूरेनियम पोटासियम ये सारे मेटल्स हैं अगर इनमें आग लगता है तो इन्हें हम क्लास डी फायर बोलते हैं यानी मेटल फायर नेक्स्ट है क्लास ई फायर यानी इलेक्ट्रिकल फायर ये फायर क्या होता है जब भी कोई लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें फायर लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर क्लास ई फायर जैसे कि आपका फायर लग गया कंप्यूटर में वेल्डिंग मशीन में या इलेक्ट्रिकल बोर्ड में ऐसे हम बोलेंगे इसको हम इलेक्ट्रिकल फायर अगर इसमें हम सप्लाई कट कर देते हैं पावर कट कर देते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रिकल फायर नहीं बोलेंगे जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तभी इसे हम इलेक्ट्रिकल फायर बोलेंगे नेक्स्ट है क्लास ए फायर यानी किचन फायर इसमें जो फ्यूल होता है जो कम्बस्टेबल मटेरियल होता है वो होता है फ्लेबल कुकिंग ऑयल जितने भी कुकिंग ऑयल होते हैं उसमें अगर फायर लगता है उससे हम बोलते हैं क्लास एफ यानी किचन फायर जैसे कि कुकिंग ऑयल हो गया फैट हो गया इनमें अगर आग लगता है तो इन्हें हम क्लास एफ फायर बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग यानी फायर यूजर के कितने टाइप्स हैं कितने तरह के फायर यूसर होते हैं तो मेनली फायर यूसर के फाइव टाइप्स हैं यानी पांच प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहला वाटर टाइप फायर यूजर फोम टाइप फारेस्टिंग यूसर डी फायर पी यानी ड्राई केमिकल पाउडर फारेस्टिंग यूसर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर यूजर वेट केमिकल फायर यूसर तो ये फाइव टाइप्स के हैं एक एक करके इनके बारे में जानेंगे इसे हम कैसे पहचानेंगे इनका यूज कहाँ पे होगा और कहाँ पे यूज नहीं करना है इसके बारे में जानेंगे फर्स्ट है वाटर फारेस्टिंग यूसर जो वाटर फारेस्टिंग यूसर है ये किसके लिए सूटेबल है कहाँ पे यूज़ करना है क्लास ए फायर पे यानी सॉलिड फायर पे अगर पेपर वुड या प्लास्टिक में फायर लगता है यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वाटर फारेस्टिंग यूसर यानी ये क्लास ए के लिए है इसका हम यूज़ कहाँ पर नहीं करना है क्लास ई फायर पे क्लास एफ फायर पे क्लास सी फायर पे यानी इलेक्ट्रिकल फायर पे किचन फायर में और गैस फायर में इसका यूज़ नहीं करना है इसकी पहचान क्या है इसकी पहचान है ब्राइट रेड कलर यहाँ पे नेक पे आपने देखा होगा यहाँ पे ब्राइट रेड कलर का एक पट्टी होता है एक बैंड होता है इसे हम पहचान सकते हैं कि वाटर फारेस्टिंग यूसर है नेक्स्ट है फोम टाइप फारेस्टिंग यूसर इसका हमें यूज़ कहाँ करना है ये किसके लिए सूटेबल है क्लास ए एंड क्लास बी फायर के लिए, लिए. यानी सॉलिड और लिक्विड फायर पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पेपर वुड या किसी डीजल पेट्रोल में अगर फायर लगता है तो वहाँ पर हम फोम यूज़ कर सकते हैं ये किसके लिए सूटेबल नहीं है कहाँ पर यूज नहीं करना है क्लास एफ फायर पे क्लास ई फायर पे क्लास डी फायर पे यानी किचन फायर इलेक्ट्रिकल फायर और मेटल फायर पे फोम को यूज़ नहीं करना है इसका पहचान किया इसका कलर कोड क्या है तो इसका कलर कोड है क्रीम कलर यहाँ पे देखे होंगे आपने नेक पे इसका क्रीम कलर के बैंड लगे होते हैं एक पट्टा लगा होता है इसे अब इसे पहचान सकते हैं डी टाइप यानी ड्राई केमिकल टाइप फारेस्टिंग यूसर इसका मैं यूज़ कहाँ पर करना है यह किसके लिए सूटेबल है इसे हम यूज़ कर सकते हैं क्लास ए फायर पे क्लास बी फायर पे एंड क्लास सी फायर पे यानी सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फायर पे यूज़ कर सकते हैं इसीलिए इसे हम ए बी सी फायर स्टिंगर भी बोलते हैं इसका हम यूज़ कहाँ नहीं करना है क्लास ए फायर पे एंड क्लास ई फायर पे यानी किचन फायर पे और इलेक्ट्रिकल फायर पे इलेक्ट्रिकल फायर पे कहाँ पे यूज़ नहीं करना है जब भी थाउजेंड वोल्ट से एव कोई भी इक्विपमेंट हो वहाँ पर यूज़ नहीं करना नॉर्मली इसे आप क्लास ई फायर पर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होता इतना इससे क्या जो इक्विपमेंट होते हैं डैमेज होते हैं और फायर को इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता ये इसकी पहचान क्या है इसके कलर कोड है ब्लू कलर इसके नेक पे ब्लू बैंड लगा होता है ब्लू कलर का पट्टी दिया होता है इससे आप इसे पहचान नेक्स्ट है सी टाइप यानी कार्बन डाइऑक्साइड फारेस्टिंग यूसर सी ओ टू फारेस्टिंग यूसर कहाँ यूज करना है कहाँ के लिए सूटेबल है ये ये क्लास ई एंड क्लास बी फायर के लिए यानी इलेक्ट्रिकल फायर के लिए और लिक्विड फायर के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हैं इसे आपको यूज़ कहाँ पे नहीं करना है क्लास ए फायर पे क्लास ए फायर पे एंड क्लास डी फायर पे यानी किचन फायर पे सॉलिड फायर पे और मेटल फायर पे इसका यूज नहीं करना है वहाँ पे ये इफेक्टिव नहीं होगा इसकी पहचान क्या है इसके कलर कोड है ब्लैक कलर यहाँ पे ब्लैक कलर का बैंड लगा होता है और इसके आप डिस्चार्जिंग होस या नोजल से भी पहचान सकते हैं नेक्स्ट है वेट केमिकल फायर इंगूसर वेट केमिकल फायर इंगूसर कहाँ पर यूज़ करना है ये किसके लिए सूटेबल है ये है क्लास एफ यानी किचन फायर के लिए अगर किचन फायर होता है यहाँ पे इसका आप यूज कर सकते हैं इसका यूज कहाँ नहीं करना है क्लास बी फायर क्लास डी फायर एंड क्लास ई फायर यानी लिक्विड फायर मेटल फायर इलेक्ट्रिकल फायर पर यूज़ नहीं करना है इसकी पहचान क्या है इसका कलर कोड है येलो कलर नेक्स्ट मेथड ऑफ़ फायर एस्टिंग यानी आग बुझाने के क्या -के तरीके क्या तरीके हैं क्या क्या मेथड्स हैं इसके बारे में जानेंगे तो आइए देखते हैं फायर एस्टिंग के मेथड चार हैं फोर मेथड्स हैं इसमें सबसे पहला है कूलिंग सेकेंड है स्टार थर्ड है स्मूथनिंग और फोर्थ है ब्रेकिंग चेन रिएक्शन तो इन चार मेथड से चार तरीकों से आग को बुझा सकते हैं तो ये कूलिंग क्या है स्टार क्या है स्मूथनिंग क्या है चेन रिएक्शन ब्रेकिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे तो आइए अभी देखते हैं फर्स्ट है कूलिंग मेथड कूलिंग मेथड में हम फायर से हीट को रिमूव करते हैं अगर हम फायर से हीट को रिमूव कर देंगे तो फायर हमारा स्टिंग हो जाएगा फायर बुझ जाएगा ये हम कैसे कर सकते हैं बाई वाटर इसके लिए वाटर यूज़ कर सकते हैं वाटर फायर स्टिंग यूज़ कर सकते हैं जब भी हम वाटर स्प्रे करेंगे फायर पे वो कूल होगा उससे हीट को रिमूव कर सकते हैं और फायर को स्टिंग यूज़ कर सकते सेकेंड है स्टार बेसन इस मेथड में हम फायर से फ्यूल को रिमूव करते हैं यानी जो जलने वाला मेटेरियल है उसे हम रिमूव करेंगे तो फायर हमारा स्टिंग यूज़ हो जाएगा ये हम कैसे करते हैं बाई क्लोजिंग फ्यूल सप्लाई जहाँ से भी फ्यूल का सप्लाई हो रहा है जो फ्यूल आ रहा है उसे हम अगर क्लोज कर देंगे फ्यूल को ख़त्म कर देंगे हम तो हमारा जो फायर क्या है स्टिंग यूज़ हो जाएगा थर्ड है स्मूथनिंग इस मेथड में हम फायर से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं अगर हम ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं तो फायर हमारा स्टिंगयूज हो जाएगा इसे हम कैसे करते हैं बाई सी कर सकते हैं या ब्लैंकेटिंग से कर सकते हैं जो भी हमारा एयर का सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगा बंद हो जाएगा और जो हमारा आग वो है वो फोर्थ है ब्रेकिंग चेन रिएक्शन यानी जो भी फायर के बीच रिएक्शन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन है हीट है फ्यूल है इनमें जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम तोड़ देते हैं स्टॉप कर देते हैं तो हमारा फायर स्टिंगयूज हो सकता है इसे हम कैसे करेंगे बाई सी या ब्लैंकेटिंग के थ्रू हम इसे कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू यूज फायर स्टिंगूसर यानी फायर स्टिंगूसर का यूज़ कैसे करना है फायर स्टिंगूसर यूज करने के लिए हम फॉलो करेंगे पास मेथड पास मेथड क्या है इसमें चार टर्म्स हैं सबसे पहला है पुल द पिन पी से होता है पुल द पिन यानी जो भी स्टिंगूसर का पिन है लॉक पिन उसे रिमूव करना है फ्री करना है सेकेंड है ए एम द नोजल ऑन द बेस ऑफ फायर जो फायर का बेस है वहाँ पे एक्स्टिंग का नोजल को एम करना है लक्ष्य करना है इसका मतलब है स्क्वीज द लीवर जो फायर एक्टिंग का लीवर है जहाँ से एक्टिंगर ऑन होता है उसे स्क्वीज करना है दबाना है प्रेस करना है नेक्स्ट है एस स्वीप अराउंड फायर जब भी हम स्टिंगूसर ऑन करेंगे स्टार्ट करेंगे तो साइड टू साइड फायर के चारों तरफ हमें स्वीप करना है तो इस तरीके से हम फायर को अच्छे से एक्सटिंग कर सकते हैं सेफली स्टिंगूसर यूज़ कर सकते हैं तो जब भी आपको फायर को यूज़ करना हो पास मेथड को आपको फॉलो करना होगा जब भी आप फायर स्टिंग यूज़ करेंगे आग बुझाएंगे सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो फायर है वो किस तरह का फायर है यानी किस क्लास का फायर है ताकि हमको कौन सा स्टिंग यूसर यूज करना है हम ये पता लगा सकें जब भी हम स्टिंग यूसर यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट हमें टू मीटर सेफ डिस्टेंस फॉलो करना है फायर से यानी जहाँ भी आग लगाए वहाँ से दो मीटर दूर से हमें फायर स्टिंग यूसर यूज़ करना है नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ फायर स्टिंग यूसर यानी जब भी हम फास्ट स्टिंग का इंस्पेक्शन करेंगे तो क्या क्या कैसे बॉडी पार्ट्स है जो कि हमें चेक करना होगा तो ये जो विजुअल इंस्पेक्शन है आपको मंथ में एक बार करना है तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रेशर गेज प्रेशर गेज में आपको क्या चेक करना है जो प्रेशर गेज में जो नीडल है वो आपका ग्रीन पे होना चाहिए तब ये हम समझ पाएंगे कि जो स्टिंग है उसमें स्टिंग मीडिया है सेकेंड है आपको लॉक पिन चेक करना है थर्ड है आपको डिस्चार्ज होश चेक करना है फोर्थ है आपको डिस्चार्ज नोजल चेक करना है फिफ्थ आपको हैंडल चेक करना है है आपको एक्सपायरी डेट चेक करना है सेवन है कंडीशन ऑफ बॉडी आपको चेक करना है अगर स्टिंग के लिए ट्रॉली है तो आपको ट्रॉली का भी इंस्पेक्शन करना होगा